मंगलवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजघाट पुल स्थित राप्ती नदी तट पर जल सत्याग्रह कर रहे वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधकों से मुलाकात किया और आश्वासन दिया कि उनकी जो भी मांगे हैं उसे पूरा करने में समाजवादी पार्टी अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगी। जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव सहित अन्य सपा नेताओं ने जल सत्याग्रह कर रहे विद्यालय प्रबंधकों का हौसला बढ़ाया और माल्यार्पण कर उनका समर्थन किया। इस अवसर पर सांसद प्रवीण निषाद, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रहलाद यादव, सपा नेता राहुल गुप्ता सहित भारी संख्या में विद्यालय प्रबंधक और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी नरेश उत्तम पटेल ने कहा, सत्याग्रहियों द्वारा मुझे दिया गया है इस ज्ञापन के माध्यम से हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान में लाकर इस समस्या को विधानसभा और विधान परिषद में आपकी बात को मजबूती से रखेंगे और हम सारे समाजवादी आपके इस संघर्ष को, इस सत्याग्रह को सलाम करते हैं और आपके अदम्य साहस को निश्चित रूप से सलाम करते हैं और हम शुभकामनाएँ देते हैं कि भारत में जो संविधान सम्मत सत्याग्रह आंदोलन है, जो अहिंसात्मक आंदोलन है, जो अनुशासित आंदोलन है, उस आंदोलन के माध्यम से आपने अपनी मांग को रखा है। यद्यपि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने समय में वित्तहीन शिक्षकों को अपने बजट से 200 करोड़ रुपया की शुरुआत करके एक ऐतिहासिक कार्य किया था, जिससे वित्तहीन शिक्षकों के परिवार के जीवन में सुधरे और उन्हें भी जीने का हक मिले। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से, दुर्भावना से, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वित्तहीन लोगों की बात का निराकरण किया, इसलिए दुर्भावना बस वर्तमान हुकूमत ने उसको पेचीदा बना दिया, जिससे लाखों वित्तहीन शिक्षक और उनके परिवार परेशानी में हैं। हम उनकी परेशानी के साथ में उनके सहयोग के लिए समाजवादी लोग इस सभी समस्याओं पर आपकी बात को सदन तक और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी तक पूरी मजबूती के साथ रखेंगे। मुझे कल नेता विधानसभा विरोधी दल माननीय राम गोविंद चौधरी साहब ने सुझाया था कि आपका गोरखपुर में कार्यक्रम है और राम गोविंद चौधरी साहब नेता प्रतिपक्ष ने कहा उन सभी सत्याग्रहियों को मेरा भी सलाम कहना और उनका ज्ञापन लेकर उनका पहुँचाना। इस हिसाब से हम आपके बीच में आए, आपका सम्मान हम करते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी इस मांग पर, आपकी समस्या पर हम सरकार का भी ध्यान आकर्षित करेंगे और समय आने पर आप सबके प्रयास से अगर मौका मिला प्रदेश में, देश में, तो आपकी समस्या को निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी समस्याओं को लिखित रूप से पढ़ा जाना और उसके निराकरण का भरसक प्रयास करने का आपने विश्वास दिलाया। मैं अपने शब्दों में 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों की मेहनत सत्याग्रह में जो प्रबंधक लोगों ने मांग की है कि हमको 2 वर्ष का मौका दिया जाए और हम मान्यता की प्रक्रिया पूरा कर लेंगे, इस बात का उन्होंने ज्ञापन दिया है, उसको माननीय अखिलेश यादव जी के पास रखेंगे और पार्टी अपने स्टैंड को विधानसभा विधान परिषद में उठाएगी इनके मैटर को।